मैं सर खाना विच मेला चलता सीगा दुर्गा माता मंदिर विच नवरात्रा के सिलसिले विच उत्थे एक 20 तरीक दी रात नूं लड़ाई झगड़ा होया सीगा जिहदे विच एक बंदे दी मौत हो गई सीगी। उस सिलसिले विच साडी टीमां ने काफ़ी चंगा काम किया और केस नूं ट्रेस किया हैगा। इहदे संखेप हालात इस तरीके नाल हैगे कि मनदीप सिंह निक्का नाम का एक मुंडा सीगा आ मैसर खाना मेले में आया हुआ सी। इहदा नाल इहदा साथी सीगा रणजीत सिंह और भोला। इन्हां नूं रात जिहड़ा हैगा उत्थे कुछ बंदे जिहड़े आए सीगे मनदीप सिंह निक्का और जगदीप सिंह दीप दा, जगदीप सिंह दीप और मोहित कुमार दे नाल जिहड़ा हैगा इहनां दा बोल बुलारा उत्थे हो गया। छोटी जी चीज़ नूं लै करके बोल बुलारा होया और लड़ाई झगड़ा इन्हां दा काफ़ी वध गया और बाद विच जगदीप दीप ने होर बंदे जिहड़े हैगे ने मोहित संदीप आकाश सुखविंदर ते प्रदीप कुमार और होर भी बंदे हैगे ने चार उन्हां नूं बुला करके तेज धारा हथियार नाल जिहड़ा हैगा उत्ते हमला किया जिहदे करके मौके ते जिहड़ा है वो मनदीप दी डैथ हो गई सी। साड़ी CIA दी टीम ने और थाने दी टीम ने काफ़ी चंगा काम किया हैगा और इस केस नूं ट्रेस किया है। इहदे विच 6 बंदे हुण तक गिरफ्तार हो गए ने और 4 बंदे जिहड़े उह गिरफ्तार करने रहिंदे हैगे। सर इहनां दी छोटी जी उम्र है काम की रहा दूजी पार्टी और फिर बंदे कट्ठे करके आ करके फिर जिहड़ा हैगा मोहित कुमार पार्टी जिहड़ी रणजीत सिंह भोला पार्टी हैगी मनदीप नूं मौके ते जिहड़ा हैगा तेज धार हथियारां नाल घंटे डेढ़ का जरा है दरम्यान वो बाकी तफ्तीश चलती पई है कि किन्ना किन्ना तो आपस में एक दूजे साठ गांठ सी जानते थे कि नहीं जानते थे वो आप वेरीफाई कर रहे हैं। ये मैं दसना चाहना कि जरा उत्थे मौके पर एक बंदा आप मिलया जिसे सट्टा वजिया हुई वो बंदा भी उस वे लड़ाई के जरा शुरू शुरू में काफ़ी आ रहा है कि उदो एक्सीडेंट नाल जरा है सट्टा वजिया है शुरू में उन्हें सारी गल्लां लुकाइया सीगियां जिन्हों जा बाद जो पुछ पड़ताल की उन्हें दसिया कि इस तरीके दे नाल उन्हां दा आपस में बोल बुलारा होया है। पहला ए पार्टी अग्रसर सी बाद दूजी पार्टी ने जो अटैक किया फिर इन्हां दा जिहड़ा बंदा सीगा उहदी मौत हो गई। हाँ जी इहदे विच किरच जिहड़ी हैगी है संदीप ढिल्लों कोलों मिली हैगी है ते एक गरारी वाली गटासी जिहड़ी हैगी है वो जगदीप दीपे कोलों बरामद हुई ए बंदे जिहड़े हैगे ने पुच्चो दा भी रहण वाले हैगे ने वख वख एरिए दे हैगे ने ज़्यादातर पुच्चो मंडी दे ही इलाके दे वसनीक हैगे ने। इहदे विच एक बंदा जिहड़ा संदीप ढिल्लों हैगा इहदे खिलाफ 382 दा खोह दा परचा पहिलां दर्ज है उहदे विच आर्म्स एक्ट भी लगा होया हैगा। बाकियां दा जिहड़ा रिकॉर्ड है हजे तक साफ है बाकी गुंजाई नाल उहदी पड़ताल चलदी पई है। जिहड़ी सट्टां हैगियां ने उहदे विच ते जिहड़ी हैगी उह शार्प एज्ड वैपन दी सट्टां हैगियां ने बाकी हुण जो इन्हों गिरफ़्तार किया है पेश करा के अदालत इन्हों की पूछ पड़ताल होर करांगे इंटरोगेशन करांगे और जो भी गल्लां सामने आउंदियां ने फिर उस हिसाब नाल कार्रवाई की जाऊगी। एक दोषी के खिलाफ पहला एक मुकदमा दर्ज हैगा संदीप ढिल्लों के खिलाफ बाकियों का रिकॉर्ड हजे तक क्लीन हैगा बाकी फिर भी आप फरदर वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई हो सकता उन्होंने खिलाफ कोई पुराना रिकॉर्ड हो नहीं हजे तक यह गल सामने नहीं आई हैगी है बाकी बाकी जो मैडिकल इन्हों का होगा उस तो सारी गल्ला क्लीयर हो गई। देखो जी जो तफ्तीश शुरू की आप सारे को पुछ पड़ताल की इतने होया कि है बट जरा मेले की ड्यूटी होंगी है काफ़ी वास्ट ड्यूटी होंगी हैगी है और अमूमन बच्चे जिहड़े मुंडीर और जिहड़े सारे हैगे ने मौके ते मेले विच घूमन फिरन नूं भी आउंदे ने दर्शन करन नूं भी आउंदे ने सारयां ते शक करना बड़ा औखा हुंदा है बट जेकर किसी की अणगहली पाई जाऊगी तो उस हिसाब नाल भी कार्रवाई आपां करांगे। रणजीत सिंह मनदीप तां लगदा कि इस तरह हरियाणा दा रहण वाला है इहदा रिश्तेदारी है जां मेला वेखण आए सी जां किस तरह नहीं इह मेला ही वेखण आए सीगे उत्थे। सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है दोस्तों? 302 दा परचा दर्ज किया गया सी अणपछातियां दे खिलाफ और 302 तो इलावा जिहड़ा हैगा होर सैक्शन जिहड़े हैगे ने जिस तरह एक बंदे दे सट वजी हुई है 307 भी लाई गई है होर जिहड़े उहदे च मैडिकल रिकॉर्ड हैगा उस हिसाब नाल वक्ती कार्रवाई जिहड़ी हैगी कीती गई। हाँ जी नहीं हजे तक इहो जी गल नहीं आई हैगी है बाकी वेरीफाई करांगे उस चीज़ नूं देखांगे अगर जे आउंदी हैगी जरूर दस्सी करांगे। हुण उस एंगल नाल आपां देखदे हैगे बंदियां दी गिरफ्तारी हुई है हुण वो CCTV विच किस तरीके दे नाल आए कोई वेपन दे नाल आउंदे हुए दिखाई दिंदे कि नहीं दिंदे हैगे तफ्तीश भी सारे एंगल्स नूं विचारिया गया और उसे दे बेस ते जिहड़ा हैगा इहनूं ट्रेस कीता गया केस नूं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਟੋਟਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।